और अब हम रुक करते हैं अगली खबर का, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर का, जहां पर सुरक्षा बलों ने स्कूल में छिपे आतंकियों की घेराबंदी तेज कर दी है। सुबह सुबह डीपीएस स्कूल में फायरिंग हुई है। कल सीआरपीएफ काफिले पर हमले के बाद आतंकी स्कूल कैंपस में जा छिपे थे। तो आपको बता दें सुबह सुबह ये फायरिंग हुई है। श्रीनगर में सीआरपीएफ पर आतंकी हमला, सब इंस्पेक्टर शहीद, दो जवान जख्मी। डीपीएस स्कूल में जा छिपे आतंकी, सुरक्षा बलों ने स्कूल को घेरा। कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाया। कल शाम 6:45 बजे श्रीनगर के पंथा चौक बस स्टैंड के पास अचानक आतंकी सीआरपीएफ की गाड़ी पर गोलियां बरसाने लगे। इस हमले में सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर साहब शुक्ला शहीद हो गए। दो जवानों को भी गोली लगी, जिन्हें आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमले की जिम्मेदारी लश्कर ए तैयबा ने ली है। अब इस पूरे इलाके को घेर लिया गया है और ये भी बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस कोशिश कर रहे हैं कि उन हमलावरों को इस जगह से ट्रेस किया जाए। कोशिश यही लगातार जारी है कि उनकी हाइड आउट और लोकेशन पता की जाए। मैं आपको बता दूं, इस वक्त यहाँ पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी के कई सारे जवान तैनात है। ये श्रीनगर जम्मू के बीच का नेशनल हाईवे है। यहाँ बाहर कुछ झड़प हुई, उसके बाद मैं वापस आया, कुछ बाहर से गेस्ट आए हुए थे, तो टेम्पो में 30-35 लोग आ गए, उनको मैंने बाहर निकाला, तो 5 लोग फंसे थे अंदर। तो फिर मैं रिटर्न दोबारा वापस आया, तो 4 लोगों को और मैंने निकाला। बताया जाता है कि आतंकी डीपीएस स्कूल की ओर से आए और हमले के बाद स्कूल की ओर ही भागे। सीआरपीएफ ने पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। श्रीनगर के पंथा चौक पर आतंकी हमला हुआ है। डीपीएस स्कूल है जहां पर आतंकियों ने फायरिंग की है। सीआरपीएफ का एक जवान इसमें उसको शहादत मिली है और उसके बाद ये संभावना जताई जा रही है कि आतंकी इस पूरे इलाके में छिपे हो सकते हैं। सेना ने मोर्चा संभाल लिया है जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ। और ये आपको मैं दिखाऊंगा तस्वीरें, वो ब्लॉक है, स्कूल है, जहां पर संभावना जताई जा रही है आतंकियों के छिपे होने की। और खासकर जितने भी चाहे फोर्सेस हों, उन्होंने पूरा जो इलाका है उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया है और सघन तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। देर रात तक सीआरपीएफ के सर्च ऑपरेशन में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस भी जुड़ गई। स्कूल को चारों तरफ से घेर लिया गया। बताया जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी स्कूल कैंपस में ही छिपे हैं। अभी भी फोर्स पूरी तरह से मुस्तैद है और जगह जगह पर नाकेबंदी करने के साथ साथ अलग अलग पॉइंट्स पे सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है और पोजीशन ली है, ताकि अंदर से अगर आतंकियों के छुपे होने की कोई खबर मिलती है। लगातार अंदर अभियान चल रहा है तलाशी का, फायरिंग की भी आवाज़ सुनाई पड़ी है। फोर्स ने इस समय जगह पर मोर्चा संभाल रखा है और इस समय अभियान पूरी तरह से चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में जैसे तैसे आतंकियों पर शिकंजा कसता जा रहा है, उनकी बौखलाहट बढ़ती जा रही है। सेना 258 आतंकियों की लिस्ट के साथ 13 जिलों में ऑपरेशन ऑल आउट चला रही है। इसके तहत अब तक 28 दिनों के भीतर 45 आतंकी निपटाए जा चुके हैं। शुजा उल हक के साथ आशुतोष मिश्रा, श्रीनगर आज तक।